हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज़ में, जिसमें हम एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो इन द लास्ट वीडियो हमने हमारे एप्लीकेशन के लिए एक नेविगेशन व्यू ऐड किया था एंड इस वीडियो में हम उसे थोड़ा सा डिज़ाइन करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम इस नैव हेडर को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। इसमें एक इमेज आइकन है एंड उसके बाद एक टेक्स्ट व्यू है एंड उसके बाद हम यहाँ पे ये जो हमारा मेन्यू है इसके लिए भी आइकन्स ऐड करने वाले हैं एंड इनके ऊपर लिसनर्स भी सेट करने वाले हैं। सो लेट जस्ट स्टार्ट। सो सबसे पहले वर्क करते हैं हमारे जो नेविगेशन हेडर है इसके ऊपर। सो यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज सेट करने वाला हूँ। मैं इसे पैडिंग चाहता हूँ, मीन्स मैं इसे चारों तरफ से कुछ 16 dp की पैडिंग चाहता हूँ, मीन्स अंदर से जो भी टेक्स्ट होगा वो 16 dp के डिस्टेंस पे होगा एंड मैं इसे टॉप से कुछ मार्जिन भी चाहता हूँ। सो मार्जिन टॉप, ओके, क्योंकि हमारा जो एक्शन बार है वो इसे थोड़ा सा कवर कर रहा है, उस वजह से मैं मार्जिन चाहता हूँ लेट से 60 dp। ओके, आप ट्राई कर सकते हो, मीन्स टॉप से थोड़ा सा मार्जिन एंड लेट्स चेक इसकी ओरिएंटेशन क्या है। इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल है, सो हमें वर्टिकल ही चाहिए एक्चुअल में। एंड उसके अंदर अब मैं एक इमेज व्यू का यूज़ करने वाला हूँ। सो इमेज व्यू, ओके, एंड लेआउट विड्थ रैप कॉन्टेंट, लेआउट हाइट रैप कॉन्टेंट एंड जस्ट ओके। एंड यहाँ पे src मीन्स आइकन, सो मैं यूज़ करूँगा वीडियो आइकन एंड यहाँ पे कोई दिखाई नहीं। सो दिस मिप मैप IC वीडियो प्लेयर आइकन मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट थिंग, अब ये जो आइकन है इसके नीचे मैं एक टेक्स्ट व्यू चाहता हूँ। सो ये टेक्स्ट व्यू एंड ये होगा रैप कंटेंट एंड जस्ट गिव इट टेक्स्ट। सो टेक्स्ट कलर वाइट एंड टेक्स्ट साइज 16 sp एंड टेक्स्ट। सो स्ट्रिंग्स में जाके मैं टेक्स्ट क्रिएट करने वाला हूँ। सो जस्ट गो टू स्ट्रिंग्स एंड कॉपी एनी ऑफ दिस स्ट्रिंग, कॉपी एंड पेस्ट एंड मैं इसका नेम रख लेता हूँ nav_text वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। आप अपने हिसाब से कोई भी टेक्स्ट रख सकते हो एंड जस्ट कम हियर एंड nav_text एंड दिस वन, ठीक है। एंड आई थिंक मुझे टेक्स्ट साइज थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए, लेट्स से 18 sp एंड उसके बाद में इसे थोड़ा सा मार्जिन भी देना चाहूँगा। सो मार्जिन हॉरिजॉन्टल या मार्जिन वर्टिकल एंड लेट्स से 10 dp मीन्स ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन एंड ये इमेज व्यू के साथ कुछ दिखा रहा है मुझे प्रॉब्लम। सो लेट्स चेक। सो सेट कंटेंट डिस्क्रिप्शन एंड लेट्स से वीडियो या ऐप नेम, ओके। सो वीडियो प्लेयर यहाँ पे कंटेंट डिस्क्रिप्शन डजेंट मैटर एट ऑल एंड दैट्स इट। आई थिंक हमारा नेविगेशन हेडर जो है वो तैयार हो चुका है एंड नेक्स्ट जो हमें नेविगेशन मेन्यू के साथ वर्क करना है दिस वन, हम इन सभी के लिए आइकन सेट करनी है। सो सबसे पहले आइकन्स इंपोर्ट कर लेते हैं। सो राइट क्लिक ऑन रिसोर्सेस, न्यू वेक्टर असेट एंड फर्स्ट वन इज आई थिंक फीडबैक। सो फीड दिस वन फीडबैक, क्लिक ऑन ओके एंड फीडबैक अंडरस्कोर आइकन एंड जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट, फिनिश, अगेन राइट क्लिक, न्यू वेक्टर असेट एंड दिस टाइम वी वांट, आई थिंक इट वाज थीम, सो थीम लेट्स से कलर, दिस वन कलर पैलेट, सो थीम आइकन, थीम अंडरस्कोर आइकन एंड जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड फिनिश एंड जस्ट राइट क्लिक ऑन इट, न्यू वेक्टर असेट एंड दिस टाइम सॉर्ट ऑर्डर, सो सॉर्ट एंड दिस वन आउटो ऑसम, आई एम यूजिंग दिस, सो जस्ट चेंज द नेम टू सॉर्ट अंडरस्कोर ऑर्डर एंड अंडरस्कोर आइकन। सो आप अपने हिसाब से कोई भी नेम रख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप सेम आइकन्स का यूज़ करो जो मैंने किए। एंड एक और आइकन हमें चाहिए एंड विच इज़ अबाउट आइकन, सो जस्ट इन्फो and this one, so info icon या about icon and now the final icon is exit icon, so just right click on resources, new vector asset and exit, so exit to app and exit underscore icon and just click on next and finish, so हमने सारे आइकन्स इंपोर्ट कर लिए। नाउ वी हैव टू जस्ट सेट द आइकन्स। सो आइकन एंड फर्स्ट वन इज़ फीडबैक
Okay, and next one, icon, and I think it was themes. And next one, icon, and sort order, and next, icon, it's about, and last one, icon, and I think it's exit. ओके सो हमने आइकन्स भी प्रोवाइड कर दिए. नाउ लेट्स कम टू मेन एक्टिविटी. एंड इफ इनमें से कोई भी क्लिक होता है तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग लिसनर सेट करने वाले. सो बाइंडिंग डॉट नैव व्यू डॉट ऑन आइटम सेट नेविगेशन आइटम सिलेक्ट लिसनर. ओके एंड अगर इस पे क्लिक होता है तो हमें वर्क करना है. इस केस में भी हम लोग वैन की तरह वर्क कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ ऊपर वर्क किया है, सेम टू सेम. सो जस्ट मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ and we will modify it. So just paste it here and ठीक है इसे चेंज करते थोड़ा सा. return set navigation item click listener to true and van dot item id. So यहाँ पर सबसे पहले I think it was feedback. Okay and again themes nav and just copy these two and paste it down. And once more, so last one I think it was exit. So exit nav and ye wala about nav and this one sort order nav. So इस समय हम ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले, हम लोग सिर्फ एक सिंपल टोस्ट मैसेज शो करेंगे जब कोई क्लिक होगा. सो टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट एंड यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एंड उसके बाद मैसेज. सो मैं फीडबैक इन दिस केस एंड कॉमा टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दिखाई देने से डॉट शो एंड जस्ट कॉपी दिस एंड मैं इसे पेस्ट करने वाला हूँ यहाँ पे. सबसे पहले पेस्ट एंड यहाँ पे भी पेस्ट इट डाउन एंड हियर टू. सो पेस्ट एंड यहाँ पे भी. ओके एंड मैं इनका टेक्स्ट चेंज करने वाला हूँ फीडबैक से. थीम्स सॉर्ट ऑर्डर एंड आर स्मॉल एंड अबाउट एंड लास्ट वन एग्जिट. या लेट्स से एग्जिट का हम लोग वर्क कर सकते हैं. सो ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पे मैं एग्जिट को कॉल करूँगा. सो एग्जिट प्रोसेस एंड ये हमारे एप्लीकेशन को क्लोज कर देगा. एंड यहाँ पे हमें एक स्टेटस पास करना पड़ता है. सो लेट्स से मैं वन पास करूँ, डजेंट मैटर. एंड नाउ लेट्स मूव टू एक्टिविटी मेन. एंड यहाँ पे ये जो हमारा कलर था लास्ट टाइम ब्लैक दिख रहा था, सो मैं नहीं चाहता है ब्लैक दिखे. ओके मैं इसे वाइट करना चाहता हूँ. सो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड उसका चेंज कर दूंगा वाइट से. एंड उसके बाद जो टेक्स्ट है मैं इसे ब्लैक कर दूंगा. ओके जिससे ये दिखाई दे नहीं, तो ये वाइट दिखाई नहीं देगी. सो टेक्स्ट कलर टू ब्लैक एंड इससे हमारा जो बैकग्राउंड वो प्रॉपरली हो जाएगा. एंड नाउ मैं इसके जो एप्लीकेशन का कलर है वो भी चेंज करना चाहता हूँ. सो आइकन टिंट एंड मैं चाहता हूँ ये पिंक हो जाए. सो कूल पिंक. एंड उसके बाद एक चीज़ मैं और चेंज करना चाहता हूँ हमारे नैव हेडर के अंदर, ये जो मार्जिन टॉप है मैं इसे 60 dp से चेंज करके 70 dp करना चाहता हूँ. एंड नाउ लेट्स रन आर एप्लीकेशन एंड चेक वेदर इट्स वर्किंग प्रॉपरली और नॉट. सो फाइनली ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है. अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखो कि नेविगेशन ड्रॉअर वर्क कर रहा है और ये वाइट दिख रहा है जो काफ़ी कूल है. एंड आइकन का टिंट भी चेंज हो चुका है. सो लेट्स से किसी पे क्लिक करके देखते हैं. लेट्स से फीडबैक एंड इट्स वर्किंग फाइन. एंड लेट्स से और किसी पे अबाउट एंड अबाउट भी वर्क कर रहा है. लेट्स से एग्जिट एंड ऐप क्लोज हो जाती है. That means हमारा navigation drawer properly work कर रहा है. So that's it for this video. Thank you for watching and bye bye.